गर्लफ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के 5 नए फीचर के बारे में, जिसमें से 3 अभी आ चुके हैं और 2 अपकमिंग में आने वाले हैं। हो सकता है इस मंथ आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ आ सकते हैं, वो भी बहुत ही कमाल के फीचर। मैं आपको 5ों फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो आपको ये आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। सबसे पहला जो अपडेट है दोस्तों वो है व्हाट्सएप के बैकअप को लेकर। आपको बताओ व्हाट्सएप की जो चैट रहती है दोस्तों एंड टू एंड इनक्रप्टेड रहती है। पहले क्या होता था, व्हाट्सएप की जो बैकअप होता था वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं रहता था, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता था, बट अब उसको भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कर दिया। अब आप उसको भी अगर व्हाट्सएप का बैकअप लेंगे तो वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगा, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता जब तक आप उसके अंदर पासवर्ड नहीं डालें। तो इसको कहां करना, तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना व्हाट्सएप की चैटिंग पे, उसके बाद जाना है चैट्स पे। चैट्स पे जाने के बाद आपको जाना है चैट बैकअप पे। चैट बैकअप पे जाने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप, आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्रिएट पासवर्ड बनाना है, जो भी 8 डिजिट का आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, जिसमें एक करेक्टर होना कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पासवर्ड बना लेना है, उसके बाद वही का वही पासवर्ड आपको रिट्राइप करना है। जैसे आप यहां पर आगे जाएंगे तो आपसे बोलेगा क्रिएट योर एंड टू एंड बैकअप। जैसे आप यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे उसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर बैकअप होना चालू हो गया है और आपका बैकअप यहां पर हो जाएगा। तो ये ऐसे यूज होता है और बाद में आप इसको यहां से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें यहां से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको आपका जो पासवर्ड है जो आपने अभी डाला था वही को भी पासवर्ड आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अगर रॉन्ग डालेंगे तो वो नहीं होगा, तो बिल्कुल सेम पासवर्ड आपको यहाँ से डालना पड़ेगा, तो ये आप उसको डिलीट किया कर पाएंगे। तो सबसे पहला अपडेट था वो ये था। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही कमाल का फीचर है। दोस्तों सेकंड में क्या किया गया, यहाँ पर आपने देखा होगा व्हाट्सएप का एक नया मैसेज, व्हाट्सएप का एक फीचर आया था डिसअपेयरिंग मैसेज करके, जिसमें क्या होता था आप 7 डेज बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था जब भी आप किसी को कोई मैसेज भेजते थे। बट अब उसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है। अब वहां पर आप व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं 24 आवर्स में भी डिलीट करवा सकते हैं, मतलब कि डिसअपीयरिंग मैसेज को आप 24 आवर्स के लिए भी सेट कर सकते हैं, 7 डेज के लिए भी, और भी उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आपके व्हाट्सएप की कोई भी चैट में चले जाना है या कोई भी ग्रुप में चले जाना है। वहां पर जाएंगे तो आपको नीचे वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डिसअपीयरिंग मैसेज का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको नया लेआउट मिल रहा है, जो कि पहले 7 डेज का होता था, अब यहां पर 24 डेज, 7 डेज और 90 डेज तक आप यहां सेट कर देंगे। जिस टाइम आप सेट करेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा उस दिन। तो ये नया अपडेट ये भी आया है, सबके लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा यहां पर सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना होगा यहां पर चैट्स पे। चैट्स पे जाने के बाद सॉरी आपको यहां जाना होगा अकाउंट्स में। अकाउंट में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा डिसअपीयरिंग मैसेज का, डिफॉल्ट मैसेज टाइमिंग का, आप यहां पर डिफॉल्ट में कर देंगे और जब भी कोई नई चैट होगी वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगी। तो की सेकंड अपडेट यह था। उसके बाद जो थर्ड अपडेट बताने वाला हूँ वो है ग्रुप आइकन को लेकर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्रुप का जो आइकन है वहां पर आप स्टिकर लगा सकते हैं और अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हैं इमोजेस। इमोजेस को मिला के अपना एक स्टिकर क्रिएट करके वहां पर अपना व्हाट्सएप का ग्रुप आइकन लगा सकते हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट में आया है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना है अपने व्हाट्सएप के कोई से भी ग्रुप में। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जाना है, यहाँ पर आपको ग्रुप पे टैप करना है, यहाँ पर आइकन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा इमोजी एंड स्टिकर वाला, जो कि अभी नया लेटेस्ट आया है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, आपको जो भी आपको लगाना हो, लाइक आपको ये लगाना है, आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, मतलब ये कलर चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और स्टिकर जो भी चाहे आप लगा सकते हैं, जितने भी स्टिकर्स होते हैं सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था, अब यहाँ पर वो सेट कर दिया गया। आपको सिंपली किसी पर भी टैप करना है, टैप करने के बाद जो भी आपको सही लगे आपको उस पर क्लिक कर देना है और वो वहाँ पर सेट हो जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पर ये सेट करा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करा तो आप देखेंगे वो वहाँ पर सेट हो चुका है। तो थर्ड अपडेट यही था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ और फिफ्थ बताने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल का है, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा दोस्तों जो अपकमिंग में। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, अगर आप किसी को कभी कोई मैसेज भेजते हैं गलती से तो वहाँ पर आप
मैक्सिमम जब तक वो रीड नहीं करे या 2-3 घंटे में आपको डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद वो डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन हट जाता है। बट अब क्या होने वाला है दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आने वाला है, उसके अंदर होगा क्या, जो डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन है आपको बहुत टाइम के लिए मिलेगा। आपको मान लो 20 दिन बाद याद आया यार मैसेज मैंने गलत भेज दिया था, तो आप उसको 20 दिन बाद भी डिलीट कर सकते हैं, या 30 दिन बाद याद आया या 10 दिन बाद याद आया तो आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप को जो ट्विटर का पेज है उसको उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अपकमिंग में हमने ये वाला फीचर लाने वाले हैं व्हाट्सएप का, व्हाट्सअप डिलीट फॉर एवरी वन 4 डेज के लिए, तो ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो 5th बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों, ये तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग फीचर है दोस्तों। होता क्या, हम चाहते हैं कि हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं बट किसी लोग हम चाहते हैं कि उसको मेरा टाइम पता ना चले कि लास्ट दिन मैंने कब डाला, या उसको मेरी पर्टिकुलर मेरी प्रोफाइल पिक ना दिखे, मेरा स्टेटस ना दिखे। स्टेटस तो आप कर सकते हैं बट मेरा प्रोफाइल पिक ना दिखे, मेरा अबाउट वाला सेक्शन ना दिखे, तो अब आपको ये नया फीचर मिलने वाला है। आप पर्टिकुलर एक बंदे को भी वहां पर हिडन कर सकते हैं कि इसको मेरा स्टेटस ना दिखे, इसको मेरी प्रोफाइल पिक ना दिखे, इसको मेरा लास्ट सीन ना दिखे, तो आप इसको चीज को कर सकते हैं इंप्लीमेंट। ये फीचर भी अपकमिंग में बहुत जल्दी ये रोल आउट होगा, जैसे ही रोल आउट होगा उसके लिए मैं आपको एक जरूर वीडियो बना के बताऊंगा, बट ये फीचर मुझे सबसे बेस्ट लगने वाला है, क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते हैं यार हमारा स्टेटस को, हमारा लास्ट सीन इसको ना दिखे, या हम ऑनलाइन है तो उसको ना दिखे, हमारे फोटोज उसको ना दिखे, हम जो कि प्रोफाइल पिक में लगाते हैं, तो आप पर्टिकुलर एक बंदे को वहां पर लॉक कर सकते हैं। दोस्तों यही नए 5 फीचर थे जो कि व्हाट्सएप की तरफ से आए थे, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।